तुलसीदास जी ने वर्णन किया है रामचरितमानस में कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जीवन में बुद्धि सबके पास होती है, लेकिन बुद्धि होना बड़ी बात नहीं है, बुद्धि में विवेक होना बड़ी बात है। वो जो इंटेलिजेंस है वो हमारे भीतर नहीं होती, बुद्धि सबके पास है। वो विवेक कहाँ से आएगा? वो सत्संग से आएगा। और सत्संग कहाँ से आएगा? कहा राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ये प्रभु कृपा के बिना संभव नहीं है। जिस पर श्री राम जी कृपा करे, जिस पर श्री हरि कृपा करे, वही भगवान के सत्संग से प्रेम कर पाता। प्रेम नहीं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम, शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। इस दुनिया में हर आदमी को कई प्रकार के, अलग अलग प्रकार के हैबिट्स होती है, नशा होता है, एडिक्शन होता है। किसी को शराब का नशा है, किसी को सिगरेट स्मोकिंग का नशा है, किसी को पान का नशा है, किसी को चाय का नशा है। सबको अलग अलग नशे होते हैं। किसी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो जो होता है ना, वो रिलीज होती है मूवीज, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का नशा ही होता है। बड़े अजीब अजीब। लेकिन धन्य है वो व्यक्ति जिसको पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अनंत जन्मों की कृपा उस पर होती है जिसको भगवान की कथा सुनने का नशा लगता है। ये कुछ भी हो जाए, कथा तो चाहिए। जैसे बॉडी को अगर उसकी प्रॉपर डाइट नहीं मिलती तो शरीर एकदम वीक हो जाता है, ठीक वैसे ही मन को कथा भगवान की इतनी अच्छी लगने लगे कि कुछ मिले ना मिले लेकिन कथा चाहिए। और मैं ऐसे अनेक लोगों को जानती हूँ, पर्सनली जानती हूँ, कि जिनके जीवन में कथा नहीं हो तो जी नहीं पाते। कहीं से भी चाहिए पर कथा चाहिए। उनका वो कथा जो है वो उनका एनर्जी ड्रिंक है, वहां से उनको एनर्जी मिलती है। और पिबत भागवतम रसमालयम, श्रीमद् भागवत क्या है? भागवत रस है। श्रीमद् भागवत रस है। तो रस को क्या किया जाता है? आम रस को क्या करते हैं? खाते हैं कि पीते हैं? पीते हैं। हम कभी नहीं कहते कि कोई फल हो उसको कभी नहीं कहते कि आप इसको पियो, पर श्रीमद् भागवत फल होते हुए भी कहा कि पिबत भागवतम, इस रस को पीना है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत जो है वो एक ऐसा फल है जो पूरा रस से भरा हुआ है, पूरा रस से। इसलिए पिबत पियो। किसी ने पूछा कब तक पिए? एक कथा सुन ली, दो सुन ली, पांच सुन ली, दस सुन ली, पचास सुन ली। कई लोगों की एक स्पेशल डायरी होती है, उसमें वो लिखते रहते हैं, एक पूरी हो गई, दो हो गई, पांच हो गई, दस हो गई। तो ठीक है कि थोड़ा हिसाब रखना है तो ठीक है, लेकिन जिस दिन ये भूल जाओगे ना कितनी सुनी है, उस दिन समझना कि अब सचमुच कथा सुनी है आपने। तब याद नहीं रहेगा कि कितनी सुनी, कितनी। करता तो हूं गुनाह सवे रोज अनगिनत, और गिन गिन के नाम लेता हूं परवरदिगार के। करता हूँ गुनाह मतलब पाप तो अनगिनत, और जब भगवान की बात आती है, भगवान की कथा की बात आती है, तो एक एक चीज गिन के रखते हैं, एक एक माला गिन के रखते हैं। कई लोग मुझसे पूछते कितने एक दिन में कितना नाम लेना चाहिए भगवान का, कितनी माला करनी चाहिए। अब यही बात मैं आपसे पूछूं, एक दिन में कितना कमाना चाहिए, तो कितना कमाओगे? कोई बिजनेसमैन हो,
कोई शॉप वाला हो, उसकी शॉप का टारगेट है कि उसको पर डे इतना कमाना है। मान लीजिए एवरी एक ही मॉर्निंग में ही उसको इतना पैसा मिल गया, तो क्या दुकान बंद करके घर चला जाता है कि बस अब हो गया, टारगेट पूरा हो गया, अब घर चलो? नहीं जाता ना, नहीं जाता। तो फिर भगवान के नाम में तुरंत 5 माला 16 माला 16 राउंड जितना भी नियम है वो करके पैक करके फिर रख देते, अब इसको नहीं देखना, हो गया काम। ऐसा थोड़ी होता। आप हर बार हर दिन प्रयास करते और ज्यादा और ज्यादा और कमाऊं और जितना हो सके कमाऊं। वैसे ही भगवान के नाम का भी जब हमारे भीतर से काउंटिंग खत्म हो जाएगी, ये कथा इतनी सुनी उतनी सुनी, ये अभिमान, कई बार मैंने कई लोग को तो इतना अभिमान भीतर देखा कथा सुनने का ही, उनको लगता है ये सुनाने वाला ये क्या सुनाएगा हमें, हमें इतना कुछ आता है। कभी भी जो पेपर पर ऑलरेडी लिखा होता उस पर आप कुछ नया नहीं लिख सकते, आपको एक ब्लैंक पेपर चाहिए होता है जिस पर आप कुछ नया लिख पाते। तो मेरी बात नहीं कर रही, आप जिस भी कथा में जाते हो तो पिछला जो आपने सुना ना उसको खाली करके जाओ, अब कुछ नया लिख के लाएंगे, अब कुछ नया सीख करके आए, तब कुछ नया जीवन में आए। अब आप पहले से ऑलरेडी विद्वान बन जाए कि हमसे बड़ा तो क्या विद्वान हो सकता है।